हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब डांगरिया बाबा मंदिर पर जा रही है। तो डांगरिया बाबा एक शिव जी की मंदिर है जो पासीघाट के रानाघाट जगह पर स्थित है। वहाँ पर हम सब आज विजिट करने के लिए जा रही है। तो चलो आप सभी मेरे साथ डांगरिया बाबा की दर्शन करने। तो हम यहाँ से ऑटो से चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो चलो ऑटो दोनों अनु कहाँ जा रहे अभी डांगरिया मंदिर। हाँ होगा, चलो ऑटो। हाँ हाँ होगा। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। काय भाई, हाय भाई, ये मिले जामो भाई। अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम अनम जामो। अनम जामो ना, हाँ। तो आप ऑटो चलाते हैं ना? हाँ। हम ऑटो से, ऑटो राइड हमको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए हम ऑटो से आए हैं। और सबको भी हम ये दरख्वास्त करता है कि कभी कभी ऑटो में भी जाना है और वो लोग जितना चार्ज मांगते हैं उसको भी देना है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। देखो अब यूथ लोग जितना मेहनत कर रहा है उसको मतलब सपोर्ट करना है। आप जितने भी देख रहे हैं तो मतलब जो मेहनत करते हैं उसके साथ देना है, मेरे यही कहना है आप सबसे। तो थैंक यू बाय, अच्छे से जाओ। हाँ होगा। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा पूजा सामान लेते हैं। अंकल दे दो पूजा सामान। प्रेस आया। अभी हम लोग प्रसाद लेके अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहा है। तो ये देखिए प्रसाद, और ये है सिंदूर, और ये है अगरबत्ती। और अभी हम लोग जाना है। बाय, चलो तब तक मंदिर का अंदर में जाएगा ना। हाँ चलो, तेरा फर्स्ट टाइम है ना यहाँ में? हाँ, तो ये है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ना। ऊपर में होगा ना? कैसे? ठीक है, हाई कर दो। ऐसे तेरा वीडियो ले रहे ना? नहीं नहीं, इसको अच्छे से हम लेगा सोच रहा था, लेकिन अभी कब कंप्लीट होगा? 4-5 दिन के बाद आइए। ओ ऐसा ना, होगा ठीक है ना, होगा। हाँ यहाँ तक आए तो दर्शन कर ही लेगा ना नायम। हाय, तो ये है मेरे लिए हर धर्म एक है। मेरी ये मानना है कि भगवान एक है। हम इंसान धरती पर आकर भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और उसे अलग अलग नामों से मानते हैं। इसीलिए मेरी ये मानना है कि भगवान एक है। आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली। आसामी भाषा में नाम रखा डांगरिया बाबा। पूजा उसी दिन से साधु लोग करने लगा। 1962 से उसी दिन से पूजा होते आया है डांगरिया बाबा जी का। और दिसंबर में वार्षिक पूजा होता है। दिसंबर कितना में मनाता? शनिवार। शनिवार ना, लास्ट शनिवार ना। लास्ट शनिवार को। हाँ तो चलो अभी हम डांगरिया बाबा का मंदिर के अंदर में जा रहे हैं। तो आप सबको उसे दिखाऊंगी। और यहाँ मुझे मिला दो कबूतर। तो ऐसे होता है डांगरिया मंदिर का अंदर में कुछ इस तरह से है। इसे कहते हैं शिवलिंग। ये शिवलिंग है शिव जी का, और ये नन्ही महाराज है। तो ये सब है मूर्ति इस तरह से रखा। और यहाँ से जल को सुरखते हैं, नारियल पानी यहाँ से डालते हैं। वह अंदर में जाना मना है। तो पर सब लोग आते हैं, लाइक ट्रैवल लोग भी आते हैं। Yeah.
ये पीपल की पेड़ है, 100 साल पुराना पेड़ है जैसे कि आप देख रहे हैं। हाय भाई लोग, आप लोग बना रहे हैं ना, अच्छा से बनाओ, सुंदर से बनाओ ना। हम थोड़ा वीडियो ले रहे तो। और ये है, तो मैंने आपको बताया था जो नेचुरल सिबलिंग है, तो ये है नेचुरल सिबलिंग। आप सब यहाँ पे आता होगा लेकिन इसे नहीं देखता होगा, मतलब इसको कोई ध्यान नहीं देता होगा। ये तो मूर्ति, और ये है नेचुरल सिबलिंग। तो कुछ इस तरह से है, ये धरती से खुद निकला है, ये देखो खुद फॉर्म हुआ है, ये खुद धरती से निकला है। तो कुछ इस तरह से है ये, मतलब सुना है कि ये पहले में बहुत छोटा था और ये बढ़ते जा रहा है, ये नेचुरल सिबलिंग है। यहाँ में गणेश जी का वो भी है, आकृति भी है, पर मुझे इतना वो नहीं है। बाबा लोग कह रहा है कि यहाँ पर गणेश जी का होता है, शिव जी का निशान होता है। तो ये है, ये बहुत आश्चर्य बात है। और ये गुफा के अंदर में सांप, बहुत बड़ा वाला सांप रहता है, तो उसका दर्शन जो करता है उसका बहुत ही अच्छा होता है, उसका लक जो जो उसे देखता है वो बहुत लकी मानता है। तो ऐसे है कुछ। निकल गई है और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हाँ, हम लोग मंदिर से अभी निकल रही है, हम लोग पैदल जा रही है। अभी पहले मैं ऑटो से आया था, तो अभी तो ऑटो नहीं मिल रहा है, तो अभी हम लोग पैदल जा रही है। अभी आप सबको अंतरोग एक डांस दिखाएगा, तो चलो उसके डांस को देखते हैं। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep. है ना? सुंदर है। तुम लोगों को कैसा लगा है बहनों? अच्छा लगा है बहनों। अभी हम लोग यहाँ से निकल रही है, वो भी पैदल। कास गाड़ी होता है यहाँ। What is that? हाँ एक बार गाना गाओ। पैदल चल रही हूँ, ऑटो चाहिए, जीवन के सफर में सवारी चाहिए। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तभी हम लोग पासीघाट का जीटीसी रोड पर चल रही है। हाँ अभी हम लोग लंजी का घर पहुँचने वाला है। किसका किसका घर? लंजिंग डोम है। लंजिंग डोम, तो क्या तुम उसका फैन है क्या? यस। Are you like Lenji? Yes, why not? Say something about Lenji. Okay. Lenji, Lenji bhaiya is
such a humble boy and he is very smart and in all activities he is very smart. Rajiv bhaiya. Ha, say something. Where is Lenjing bhaiya? I don't know. See?